जय श्री श्याम दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि मैकबुक एयर A1466 में आप SSD NVMe M.2 कैसे लगा सकते हैं, जो कि आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लगा के प्रैक्टिकल बताऊंगा। दोस्तों आप कहीं पे भी किसी भी लैपटॉप में लगा सकते हो, तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये देख सकते हो आप 128 GB SSD है, ठीक है, SSUB करके इसका मॉडल है, ठीक है। ये SSD मैकबुक एयर की है, तो अपन मैकबुक एयर को कैसे ओपन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको बैक साइड करेंगे, ठीक है, बैक साइड करके इसके जो स्क्रू है वो स्क्रू ओपन करेंगे साथ। दोस्तों मैं हर वीडियो में बताता हूं कि ये जो स्क्रू ड्राइवर है वो प्रॉपर होना चाहिए। दोस्तों अगर प्रॉपर नहीं लगेगा तो स्क्रू खराब हो जाएंगे, स्क्रू लगेंगे नहीं इसके अंदर। स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि स्क्रू ओपन हो सके। यहां से इसका बैक पैनल उठाएंगे, ठीक है, हल्के से, और बैक पैनल को हटा देंगे, ठीक है। बैक पैनल हटाने के बाद में अपन क्या करेंगे, ये होता है इसका SSD का ये स्लॉट होता है, तो अपन इस स्लॉट में SSD लगा सकते हैं, ठीक है, इस स्लॉट में ही ये करेगा सपोर्ट। तो ये स्लॉट होता है, इसमें लगा देंगे अपन, ये SSD अपन लेंगे, ठीक है, और SSD को इस तरीके से इसका कट इधर रहेगा, ठीक है, कट की तरफ ही ये SSD लगेगी, ठीक है, ये कट की तरफ ही SSD लगेगी, ठीक है। आराम से इसको प्रेस करके लगा देंगे, ये पूरी यहां तक अंदर जाएगी, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, इसमें स्क्रू भी कसेगा, ठीक है, एक स्क्रू आता है तो स्क्रू अपन कस देंगे इसका। स्क्रू भी यहां पे प्रॉपर होना चाहिए, इसका खुद का स्क्रू होना चाहिए। इस तरीके से अपन 2 मिनट के अंदर SSD लगा सकते हैं, ठीक है। इसका जो पैनल है वापस में इसका पैनल अच्छी तरह कस देंगे, ठीक है। अब इसके स्क्रू अपन एक एक करके कस देंगे। तो इस तरीके से अपन इसके अंदर SSD लगा सकते हैं। आपको ओपन करके दिखाते हैं, एक बार लैपटॉप को स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको, मैकबुक को। ये देखिए लोगो आ चुका है, आवाज आ चुकी है, ये स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है मैकबुक। ये देखिए SSD ओपन हो चुकी है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।